खजाना और हुकूमत छीन लेगा, खजाना और हुकूमत सलीम भाई से मेरी बात हो रही थी मोबाइल पे, सलीम जावेद। मैंने कहा सलीम भाई आप भी जरा एक दो शेर कहलवा दो जरा इसमें, मतलब इतना प्यारा कहा उन्होंने, ये मजहर इमाम का मतलब था। और सलीम जावेद कहते हैं क्या, सलीम जावेद कहते हैं शराबों का ठिकाना हो गया है, हवा से दोस्ताना हो गया। मैं पैसों के लिए आवाज नहीं लगा रही, सिर्फ दांत तो बहुत सी दांत इधर जा रहे हैं, दो चार दांत मेरे को भी दे दो, समझे क्या? मेरे से ही डरता है। ठिकाना हो गया है और हवा से दोस्ताना हो गया है, आज की रात चिरागों को बुझा कर देखो, आज की रात चिरागों को बुझा कर देखो, और दिल है काबा उसे बुतखाना बनाकर देखो, चोट लग जाए तो क्या होती है दिल की हालत, एक आई ना पत्थर पे गिरा कर देखो। ये है जनाब इकबाल अशहर, दिल्ली के शायर हैं। वो कहते हैं हमारा काम है लफ्जों को आईना करना, हमारा काम है लफ्जों को आईना करना, और यहां के अंधे समंदर में रास्ता करना, कलम की नोक पे रखे हुए चिराग है हम, और हवा चले तो हमारे लिए दुआ करना। हवा से दोस्त
शेर पे तवज्जो चाहूंगी, बड़ी अच्छी बात कही है। जरा सी बदगुमानी दिल में आई, छोटी बैर की गजल है। सलीम जावेद कहते हैं कि जरा सी बदगुमानी दिल में आई, बिछड़ने का बहाना हो गया। बिछड़ने का बहाना हो गया दिन निकल गया है और शोला साहब को भी जाने की जल्दी है, मुझे भी यहाँ कहाँ रुकने की ये है, मुझे भी जाने की जल्दी है। शेर पे तवज्जो चाहूंगी कि मेरे जुल्फे मगर अब भी नहीं है, वो दो पैसे की शायरी नहीं है, मैं भी शायरी पेश कर रही हूं, समझे। मेरी जुल्फे मगर अभी नहीं है ये बादल तो पुराना तौबा। जितने भी किरण पाठक करने आइटम गाई है अपने खुद के गाई है, किसी का चुरा के नहीं, किरण किरण है, किसी की नकल भी नहीं करती। हर स्टेज पे नया गाती हूँ, शायरों को पैसा देती हूँ, फोकट से नहीं लिखो। सुनिएगा, ये बादल दूर क्यों जा रहे हैं, मजीद भाई की बात कर रही हूं। जिस वक्त तो मेरा बंबई में प्रोग्राम था वीटी स्टेशन पे, और प्रोग्राम मालूम है किन लोगों ने रखा था, हाजी मस्तान और करीम लाला, बंबई के डॉन। और मेरे मुकाबले में कौन थे मालूम है, मरहूम अजीज नाजा साहब। और वीटी में मेरा प्रोग्राम था, तब मैंने चांद इकबाल से लिखवाई थी, वो तैबा की गलियां वो जमजम का पानी। आज कौन गा रहा है, ये बादल असलम साबरी, हाजी असलम साबरी,
टिकमगढ़ में मेरा प्रोग्राम था, महारानीपुर छतरपुर डाकुओं का इलाका, 5 साल ले रेगुलर गई। मेरे मुकाबले में असलम साबरी थे, पहली मरतबा उनके मुकाबले में मैंने गए, ये तो ख्वाजा का करम है। 8 दिन के बाद मैं देखती हूँ तो वही कैसेट बाजार, ऐसे ऐसे लोग हैं, किसको क्या बोलना। वो तो आप लोग हो जिसको नवाज, क्या बात है भाई, वाह वाह। अरे कोई भी आदमी जब किसी के मुकाबले में बैठता है ना, वो भी तैयारी करके आता है, किसी को छोटा मत समझना। जाऊंगी कि जिसे कल नाज था महलों पे अपने, वो ही अब बेठिकाना हो गए। जोश मलियाबादी कहते हैं कि जा गोरे गरीबों पे नजर डाल भाई भरत, अबे जा गोरे गरीबों पे नजर डाल भाई भरत, खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत, इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, और पूछ किधर है वो तेरी शान हुकूमत, कल तुझ में भरा था वो गुरु राज कहाँ है, ऐ कासा ए सरबोल तेरा ताज कहाँ है। नंगे मजाक जिस्त जो मरने से डर गए, क्या जाने कितनी बार वो बेमौत मर गए। तस्बीह के तोड़ने में खुद इनका ही हाथ था, अब खुद ही रो रहे हैं कि दाने बिखर गए। बहुत अच्छे अच्छे पे अपने वो ही अब पे यहाँ की कमेटी के मेंबरान और तमाम लोगों ने मुझे भी बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुना है। मैं एक छोटी सी आर्टिस्ट हूँ, जज्बात में कुछ भी अगर बोल जाऊं, जकी भाई माफ कर देना, और तमाम लोगों से गए कुछ अगर गलत मैंने कहा हो तो माफी चाहती हूँ। पढ़ने को बैठूं 10 बज जाएंगे, इतनी लंबी गजल है ये, आखिरी पेश कर रही हूँ।
कि उसे मौत आ गई और मर गया वो। फकत हिचकी फकत हिचकी बहाना हो गया।